आँखों में सारी रात जाएगी, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस कभी क्यों नहीं हुई देवानंद और इस एक्ट्रेस के रिश्ते की चर्चा। देवानंद ने इस फ्लॉप एक्ट्रेस से क्यों कर ली थी गुपचुप शादी। क्या था उनके एक सुपरहिट एक्ट्रेस से अफेयर, ब्रेकअप और एक अनजान हीरोइन से गुपचुप शादी का सच। नमस्कार, आदाब अर्ज है, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। हिंदी सिनेमा का एक दिग्गज अभिनेता, जी हां, आज हम बात कर रहे हैं देवानंद साहब की। कहते हैं कि उस दौर में जिस तरह से दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर थे, ठीक उसी तरह देवानंद साहब को उस समय कहा जाता था रोमांस किंग। लड़कियां उन पर जान छिड़कती थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस हैंडसम हंक ने एक ऐसी एक्ट्रेस से गुपचुप तरीके से शादी रचा ली जिसको कोई जानता भी नहीं था। कौन थी वो और क्या हुआ था उस दिन, ये तमाम किस्से आज मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तो इसके साथ ही देवानंद साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ और अनसुनी बातें भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी, जो कि आप में से कम ही लोग जानते होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अब मुझे मालूम हुआ है कि असली खूनी को आप ही ने बताया है। आप ही ने मेरे बेगुनाह बाप को जेल में भिजवाया है। आप ही ने अदालत से कब फैसला करवाया है। हर झगड़ा प्यार और मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। आप मेरी मुरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठ कर सब फैसले कर लिए जाए। देवानंद हिंदी सिनेमा जगत का पहला स्टाइल आइकॉन, जिसकी डायलॉग डिलीवरी, अदाकारी, लुक्स, वॉकिंग स्टाइल, हेयर कट और फैशन सेंस की चर्चा पूरी दुनिया में थी। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और अरे बाजाओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। एक ऐसा अभिनेता जिसका सफेद शर्ट के ऊपर काला कोट पहनना सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। कहते हैं कि एक समय उनके इस पहनावे पर कोर्ट ने बैन लगा दिया था कि इससे लड़कियां छतों से कूद जाती थी। आज सुबह जब मैं घर से आ रहा था तो कॉलेजों की छोकरियां मेरी तरफ यूं लपक रही थीं कि जैसे मुर्गी चावल। देवानंद ने 6 दशक तक एक हिट स्टार होने का सबूत दिया। उनकी हर अदा की दुनिया दीवानी थी। लड़कियां देवानंद के हर स्टाइल पर मरती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए दर्शक बेकरार रहते थे। उनका गर्दन हिलाकर डायलॉग बोलना आज भी बहुत फेमस है और नए दौर के भी कई स्टार्स ने उनके इस आइकॉनिक स्टेप को कॉपी किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, कामयाबी की बड़ी परिभाषाएं हैं। रुपया कमाना बहुत लाजमी है ये जानने के लिए कि दौलत सुख देती है। तो देव साहब के अफेयर, ब्रेकअप और गुपचुप शादी की हम चर्चा करें, उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कौन थे देवानंद और कैसे वो बन गए धर्मदेव पिशोरी मल आनंद से देव आनंद। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है। 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरी मल आनंद था। उन्होंने 1942 में लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया था। देवानंद आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी से ये मुकम्मल नहीं हुआ। बताते हैं कि 1943 में जब वो बंबई पहुंचे, तब उनके पास महज 30 रुपए थे। रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो देव साहब ने मुंबई में रेलवे स्टेशन के पास एक सस्ते से होटल में कमरा लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 और लोग भी रहते थे, जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कमरा तो आपको किराए पर देना ही है, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है, मेरे हिसाब से पड़ता है। काफी दिन यूं ही गुजर गए और पैसे खत्म हो गए। मुझे 50 रुपए की जरूरत। 50 रुपये, ऐसा बोलो ना बाबू। आओ बाबू जी, अंदर आओ, आओ बैठो बैठो, आओ। अच्छा भाई साहब, तो बोलो क्या रहने रखोगे जी। जमानत तो है,
तभी काफी मशक्कत के बाद उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली, जहां उन्हें सैनिकों की चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना होता था। इसके लिए उन्हें 165 रुपए मासिक वेतन मिलता था। लगभग एक साल तक ये नौकरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास चले गए, जो उस समय इप्टा से जुड़े थे। उन्होंने देवानंद को भी इप्टा में शामिल कर लिया और वहाँ देव साहब को नाटकों में छोटे मोटे रोल मिले। तभी किस्मत का दरवाजा खुला और देवानंद ने 1946 में फिल्म हम एक हैं से एक्टिंग डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म चल नहीं पाई, लेकिन इसके बाद आई फिल्म जिद्दी से वो रातों रात स्टार बन गए। जीने की तमन्ना कौन करे। देवानंद ने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 112 फिल्में की। बाजी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, पॉकेट मार, फंटूश, सीआईडी, 9211, गाइड, काला पानी, असली नकली, ज्वेल थिफ, प्रेम पुजारी, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने आदि उनके हिट फिल्मों की फहरिस्त में शामिल हैं। इंसाफ की पुकार वो ताकत है जिसने हर झूठ का पर्दाफाश किया है और हर उस मुजरिम को जिसने कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहिए। एक्टिंग के अलावा देवानंद ने निर्देशन में भी किस्मत आजमाई और सफल भी हुए, जैसे फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। फूलों का तारों का सबका कहना है, जो कि सुपरहिट रही। एक हजारों में मेरी बहना है। सिने स्टार्स के लव अफेयर्स के चर्चे हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं। कई बार उनका ब्रेकअप हो जाता है तो कई बार शादियां भी देखने को मिलती हैं। लेकिन कहा जाता है कि वो दौर कुछ अलग था। उस समय दुनिया इतनी फास्ट नहीं थी और रिश्तों में इमोशंस और फीलिंग्स मायने रखते थे। इस दुनिया में बिना मांगे ही मुझ पर प्रेम, ममता और दया की बरसात हुई। प्यार बिना कुर्बानी के नहीं मिलता। बताते हैं कि देव साहब का पहला प्यार मशहूर सिंगर सुरैया थी। सुरैया से उनकी मोहब्बत के किस्से मशहूर हैं। देवानंद और सुरैया की खालिस प्रेम कहानी सिने जगत की पहली और सबसे अजीम मोहब्बत मानी जाती है। बताते हैं कि वो सुरैया पर पहली नजर में ही फिदा हो गए थे और उनसे अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन सुरैया के परिवार वालों को इससे एतराज था क्योंकि मजहब आड़े आ रहा था। दरअसल देवानंद और सुरैया के प्यार का अफसाना फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान एक हादसे से शुरू हुआ था। देवानंद ने शूटिंग के दौरान सुरैया की जान बचाई थी और इसके बाद ही दोनों के बीच प्यार के फूल खिलने शुरू हो गए थे। हालांकि उस वक्त देवानंद का करियर बस शुरू ही हुआ था, जबकि सुरैया बहुत बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। दोनों भले ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन इस राह में बहुत अड़चने थी। दोनों ने एक साथ 7 फिल्में की, विद्या 1948, जीत 1949, शायर 1949, अफसर 1950, नीली 1950, दो सितारे 1951 और सनम 1951। देव साहब ने सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में भी कहा था कि सुरैया बड़ी एक्ट्रेस थी जो हमेशा लोगों से घिरी रहती थी और उनसे मिलने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। वहीं देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में बताया था कि काम के साथ साथ उनकी दोस्ती सुरैया से गहरी होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखे बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते थे। वो लिखते हैं, काम करने के दौरान हम दोस्त से गहरे दोस्त हो गए थे और फिर गहरे दोस्त से प्रेमी। सबको पता चल गया, वैसे भी प्रेम कहानियां छुपती कहाँ हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब एक दूसरे से बात किए बिना रह जाएं। हम फोन पर घंटों बातें किया करते थे। ऐसे में देवानंद साहब को ये समझ आ गया था कि उन्हें सुरैया से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, लेकिन इस प्यार में आड़े आ रहा था सुरैया का परिवार। कहा जाता है कि बादशाह बेगम, जो कि सुरैया की नानी थी, उन्हें इस रिश्ते से सख्त एतराज था और उनका कहना था कि मजहब की वजह से वो इस रिश्ते को अपनाना नहीं चाहती हैं। सुरैया का परिवार काफी रूढ़िवादी था। ऐसे में मुस्लिम परिवार की सुरैया का रिश्ता हिंदू परिवार के देवानंद से होना मुश्किल हो गया। हालांकि कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि बादशाह बेगम के विरोध के पीछे असली असबाब ये था कि सुरैया बड़े परिवार की सबसे अधिक कमाई करने वाली सदस्य थी और इस शादी के बाद उनकी कमाई से हाथ धोना पड़ता। देवानंद ने किताब में बताया, सुरैया के लिए मैंने सगाई की अंगूठी खरीदी। मैं अंगूठी लेकर सुरैया के पास पहुंचा, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मेरी दी हुई अंगूठी समुद्र में फेंक दी।
देव ने इस किताब में अपनी प्रेम कहानी का जिक्र बेहद खूबसूरती से किया है। देवानंद ने लिखा, पहले प्यार का एहसास ही अलग होता है। आप हो तुम या कोई हकीकत, तुझको लिखी रोज पाती। दरअसल सुरैया और आनंद ने 1951 में फिल्म में आखिरी बार साथ काम किया। I could not marry her and I was dejected and I cried and I sobbed and then I forgot about it. मायूस प्रेमी अपनी आखिरी बातचीत के दौरान अश्क बहाते रहे और अलग होने का फैसला लिया। हो गया मैं उसको बुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं। तो आखिरकार देवानंद और सुरैया अलग हो गए, लेकिन कहा जाता है कि सुरैया आजीवन इस प्यार को भुला नहीं पाई और इसी वजह से वो जिंदगी भर कुंवारी रही। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। सुरैया से अलग होने के 3 साल बाद आया 1954 का दौर, जब फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग चल रही थी। प्रेम साहब, इन लोगों से जरा बच कर रहिएगा, बड़े बड़े गुंडे रहते हैं यहाँ, कभी कभी चाकू भी चल जाता है। अच्छा, अगर कोई गड़बड़ हो तो फौरन मुझे बुला लीजिएगा, मैं करीब रहता हूँ नाके पर, दाएं हाथ 6 नंबर चाल। नाम मेरा मदन है, ये मेरा बाजा है। इसके सेट पर देवानंद इसकी हीरोइन मोना सिंघा उर्फ कल्पना कार्तिक से मिले। साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर वो अक्सर मिलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता प्यार परवान चढ़ रहा था और शूटिंग के अलावा भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था। और एक दिन अचानक वो हुआ जिसकी किसी को खबर नहीं थी। दोनों रोज की तरह शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे। कैमरा, लाइट, एक्शन, कट होता रहा। संवाद, अदायगी और टेक का दौर चलता रहा। फिर जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, फिल्म के लीड एक्टर्स गायब हो गए। 1.5 घंटे तक देवानंद और कल्पना कार्तिक का कोई अता पता नहीं था। सब पूछने लगे कि एक्टर्स कहां गए, सीन शूट होने के लिए देरी हो रही है। तभी दोनों अचानक सेट पर आ गए और हड़बड़ाए हुए अपना अपना डायलॉग याद करने लगे। पहले तो किसी को गुमान नहीं हुआ, लेकिन पारखी नजर वाले एक कैमरामैन रात्रा ने इनकी चोरी पकड़ ली। उसने तपाक से कह डाला कि कल्पना की उंगलियों में पहले रिंग नहीं थी, अभी सीन में अचानक दिख रही उनकी अंगूठी कंटिन्यूटी ब्रेक कर रही है। देवानंद समझ गए और कैमरामैन को एक साइड ले गए। उनसे अकेले में बात हुई कि वो कुछ समय के लिए इसे राज ही रहने दें। बाद में पता चला कि देवानंद और कल्पना पहले से ही कोर्ट मैरिज के लिए इंतजाम कर चुके थे और रजिस्ट्रार को बुलाया जा चुका था। शूट ब्रेक के दौरान देवानंद और कल्पना चुपके से निकल गए थे और शादी की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी। हालांकि इस शादी को क्यों सीक्रेट रखा गया, इसके लिए अलग अलग लोग अलग कयास लगाते रहे। देवानंद के मुताबिक शादी बहुत ही निजी फैसला होता है। मैं इसे लोगों के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता था। हमने चुपचाप शादी कर ली और शादी के बाद भी सेट पर काम करते रहे, लोगों को पता तक नहीं चलने दिया। इस शादी का जब खुलासा हुआ तो ये चर्चा लोगों में जोर पकड़ने लगी कि आखिरकार देवानंद साहब जैसे खूबसूरत हैंडसम हंक स्टाइल आइकॉन जिस पर लड़कियां जान छिड़कती हैं, उन्होंने एक ऐसी एक्ट्रेस से शादी क्यों की जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं थे। इस कपल को लोग पचा नहीं पा रहे थे। चंद जी जरा गौर कीजिए, जमाना किधर जा रहा है। आपस के बेबुनियाद झगड़े, छोटी छोटी बातों में फसाद, बात का बतंगर बना के धरती को सर पर उठा लेने की आदत 20वीं सदी में, तो इस चिचोरेपन को छोड़िए। दरअसल कल्पना कार्तिक का असली नाम मोना सिंघा था, लेकिन देवानंद के बड़े भाई ने अपनी कंपनी की फिल्म बाजी में साइन करते वक्त उनका नाम बदलकर कल्पना कार्तिक कर दिया था। मोना पंजाबी क्रिश्चियन परिवार से थी और देवानंद और कल्पना के परिवार के बीच 2 कनेक्शन थे। देवानंद का परिवार पंजाब के गुरदासपुर में रहता था, जबकि कल्पना के पिता गुरदासपुर के बटाला में ही बतौर तहसीलदार तैनात रहे थे। दूसरा कनेक्शन देवानंद की भाभी उमा आनंद से था। कल्पना देव के भाई चेतन आनंद की सास की कजिन थी, जिससे पारिवारिक रिश्ता था। मोना यानी कल्पना शिमला के एक कॉलेज में पढ़ती थी, वहीं से वो मिस शिमला चुनी गई थी। तब चेतन की पत्नी उमा ने उन्हें चेतन से मिलवाया और चेतन ने अपनी कंपनी नौकेतन फिल्म्स में मोना को काम करने का ऑफर दिया। पहली ही फिल्म मिली बाजी, जो देवानंद के साथ थी। बाजी की शूटिंग के दौरान ही देवानंद से उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। सुरैया के प्रेम से उबर रहे देवानंद भी धीरे धीरे कल्पना के इश्क में गिरफ्तार होने लगे।
माना जाता है कि ये चेतन और उनकी पत्नी उमा का ही आइडिया था कि सुरैया की यादों से देव को निकालने के लिए देव के नजदीक किसी और को लाना होगा। बाजी तो सुपरहिट रही, लेकिन उसके बाद कल्पना के साथ आई हमसफर और आंधियां नहीं चली। तब योजना बनी टैक्सी ड्राइवर की, जिस पर पूरे परिवार ने मेहनत करनी शुरू कर दी, क्योंकि दो फिल्में पिटने से फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था। इधर कल्पना को बाहर से भी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन वो लगातार मना कर रही थी। तो देवानंद ने एक दिन पूछा कि बाहर के ऑफर्स के लिए क्यों मना कर रही हो, तो रोमांटिक अंदाज में कल्पना ने पूछा कि तुम मुझे खोना नहीं चाहते हो ना। देव ने जवाब दिया, कभी भी नहीं। इस पर कल्पना ने कहा कि फिर कमिटमेंट क्यों नहीं करती। कल्पना का इशारा शादी की तरफ था। बताते हैं कि देव ने टालने की कोशिश की और वक्त मांगा। फिर दोनों कार से लॉन्ग ड्राइव पर समंदर किनारे हर रोज जाने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। परिवार तो पहले से ही इंतजार रखता था कि इनकी शादी हो जाए, तो जाहिर है बिना किसी रुकावट के इन दोनों की शादी हो गई। बाद में इन दोनों के दो बच्चे हुए, सुनील आनंद और देवीना। साल 2001 में देवानंद को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ और साल 2002 में उनके हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। 3 दिसंबर 2011 को 88 साल की उम्र में देवानंद ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा के आफताब थे। आज देवानंद को गुजरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन सदाबहार हीरो की उनकी छवि आज भी बरकरार है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये शो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और इससे जुड़ा हुआ कोई और वाकया आपको पता हो, कोई और किस्सा आप जानते हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रेवल ब्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहां आपको अलग अलग जगहों, धार्मिक स्थलों और मॉन्यूमेंट्स की पूरी जानकारी मिलेगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।